मेरे सभी साथियों को मेरा आत्मिक नमन। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जो हम गुरु के गोचर के ऊपर बना रहे हैं। गुरु का गोचर वृश्चिक से धनु राशि में 5 नवंबर को हो चुका है। अब तक हमने मकर लग्न तक की बात कर ली है, आज हम कुंभ और मीन लग्न के बारे में बात करेंगे। मकर लग्न के लिए मैं एक छोटी सी और एडिशनल चीज इसमें और बता देता हूं कि मकर लग्न में एक ये चीज भी ध्यान रखनी होगी कि आपको मकर लग्न वालों को अपना ग्रह स्थान बदलना पड़ सकता है। और साथ में एक और चीज ध्यान रखना कि कुछ हाथ से छूटने का योग बन रहा है, तो अगर कोई चीज कोई कार्य ऐसा कि जो छूट रहा हो तो उसको पकड़े नहीं, छूट रहा है तो छूटने दें, कोई चीज जाती हो तो उसे जाने दें, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं। नहीं तो होगा क्या, पकड़ने की कोशिश में जो चीज जा रही है वो तो जाएगी ही, लेकिन पकड़ने की कोशिश में मानसिक संताप हो सकता है, तो उससे बचें। चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न के लिए गुरु बहुत ही शुभकारी हैं, क्योंकि लाभ भाव के और धन भाव के दोनों के स्वामी हैं गुरु। देखिए, लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होके बड़ा अच्छा योग लक्ष्मी योग बनता है, और गुरु का गोचर भी लाभ भाव में एकादश भाव में आ रहा है। गुरु का गोचर एकादश भाव में आ रहा है तो धन की प्राप्ति होगी, धन खूब अच्छे से आएगा, धन रुकेगा भी, और विशेष आपको आपके कार्यों में, जो भी आप कार्य जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं वहां पर आपको उन्नति मिलेगी। गुरु की पांचवी दृष्टि यहां पर तृतीय भाव पे पड़ रही है। तृतीय भाव पे पड़ने वाली दृष्टि छोटे भाई बहनों के लिए लाभकारी होगी, उनको भी उन्नति के अवसर मिलेंगे और आपको उनसे सहयोग भी मिल सकता है। गुरु की सातवीं दृष्टि यहां से पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने से जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं या जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले भी हैं, उन सब के लिए बहुत लाभकारी है। आप अगर किसी विशेष पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी दृष्टि रहेगी गुरु की, सप्तम दृष्टि वहां से। गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। आप अगर शादी योग्य हैं और वर और कन्या को अगर खोज रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, आपके योग्य वर और कन्या आपको जरूर मिलेगी। आपके कुंडली में दशा का होना और योग का होना अति आवश्यक है। दशा अगर आपके फेवरेबल होगी तो आपको ये गोचर बहुत लाभदायक होगा। इस समय में विशेष ध्यान योग रखने वाली बात केवल यही है, क्योंकि केतु और शनि महाराज भी बैठे हुए हैं धनु राशि में, तो अपने आप को लेथार्जिक होने से बचाएं, एक्टिव रखिए, वॉक कीजिए, घूमिए, अपने शरीर को जितना आप कोशिश कर सकें एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि शरीर और मन स्वस्थ रह पाए, क्योंकि लेथार्जिक होने से आप जो भी कार्य करेंगे वो ठीक से कर नहीं पाएंगे, तो नुकसान भी हो सकता है। और क्योंकि ये समय आपके लिए किसी नए कार्य को अंजाम कर देने के लिए भी है, तो लेथार्जिक होने से नया काम होना भी में भी तकलीफ आएगी, काम बनेंगे नहीं, बिगड़ भी सकते हैं। तो आपको अपने आप को एक्टिव रखना है और अपने काम के लिए आगे बढ़ के तेजी से कार्य करना है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं मीन लग्न के बारे में। मीन लग्न के लिए गुरु लग्न के और दशम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन फिर वही जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अक्सर केंद्राधिपति दोष लग जाता है, तो उसकी वजह से उतने लाभकारी नहीं हो पाते जितना लाभ इन्हें देना चाहिए। फिर भी क्योंकि लगन के स्वामी हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में उन्नति जरूर जरूर लेके आएंगे। और यहां से इनकी पंचम दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, सेकंड हाउस पे पड़ रही है, वो कार्य से धन प्राप्ति जरूर होगी और कोई भी कार्य आपके बनेंगे, नए कार्य बनेंगे, आप कोई नया कार्य करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिसकी अगर आप प्लानिंग पहले से करते चले आ रहे हैं। यहीं से दृष्टि चतुर्भाव पे पड़ेगी। वाहन, प्रॉपर्टी या कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी आपके सुख सुविधा का वाहन आप खरीद सकते हैं और सुख सुविधा की चीजें खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसके लिए अच्छा समय है, उसके भी योग बनेंगे।
आपकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि यहां से जो सप्तम दृष्टि चतुर्भाव पे पड़ना माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। फिर भी आपको ध्यान देना है कि केतु के बैठे होने से वो स्वास्थ्य ठीक ही रहे, और अपने आप को भी और अपनी माता को भी आप सलाह दे सकते हैं कि वो भी अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखें, जिससे कि स्वास्थ्य बिगड़े नहीं। हालांकि गुरु की दृष्टि से स्वास्थ्य में आराम रहेगा ही रहेगा। यहीं से गुरु की नवी दृष्टि छठे भाव पे भी पड़ रही है। तो छठे भाव पे दृष्टि का मतलब यह है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भाग लेना चाह रहे हैं तो वो अच्छा समय है, आपको जरूर फायदेमंद रहेगा। आपकी कुंडली में पढ़ाई के योग हैं, तो आपने जो पढ़ाई करी है कंपटीशन एग्जाम में भाग लेने से आपको जरूर फायदा देगा। कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा पहले कोई हो रखा है तो उसके सिमटने के भी चांस हैं, वो भी सुलझेगी परिस्थिति, उसके सिमटने के चांस भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे गुरु का गोचर सभी लगन की कुंडलियों के लिए मैंने आपको बताया, और किसी के लिए लाभकारी है, किसी के लिए थोड़ा कष्टकारी है। गुरु का गोचर अक्सर हमें कष्ट कम देता है, लाभ ज्यादा देता है। फिर भी क्योंकि हमारी कुंडली के योग, हमारी कुंडली में अष्टमवर्ग के जो हमारे नंबर हैं, गुरु जिस भाव में हमारा गोचर कर रहे हैं, अगर वहां नंबर कम है तो हमें कम फायदा मिलेगा, थोड़ी तकलीफ भी मिल सकती है। नंबर अगर बराबर है 27 के या उससे ज्यादा है तो हमें फायदा मिलेगा और हमारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। आप हमारे वीडियोस को इसी प्रकार देखते रहिए, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमारे नंबर्स नीचे दिए गए हैं, इस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट लिख के हमको बता सकते हैं कि आपको हमसे और किस विषय में अधिक जानकारी चाहिए। धन्यवाद।